हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्लोटिंग के ऊपर। सो ब्लोटिंग एक ऐसा इशू है जो बहुत सारे लोगों को होता है। होता क्यों है? अगर आपने बहुत ज़्यादा चीट मील लिए एक्सेस में, या फिर आपने बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम किया है, इसके अलावा आपने मतलब बहुत ज़्यादा लेट मील्स ली हैं, आपने 8-9 बजे के बाद बहुत हैवी मील ली है। अगर आपकी चीट मील नहीं भी है, यू आर ईटिंग होममेड फूड बट बहुत हैवी है जिसमें सॉल्ट एक्सेस में था, तब भी ब्लोटिंग होती है। अगर आपको एसिडिटी है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो भी ब्लोटिंग का इशू कॉमन है। तो अगर आपको ब्लोटिंग हुई है, कैसे पता लगेगा? सबसे पहले आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाएगा, उसके अलावा आपका जो टमी है वो स्वेल हो जाएगा। तो यू विल गेट टू नो कि हाँ, मुझे ब्लोटिंग हो रही है। तो बहुत ज़्यादा उस दिन जब आपको ब्लोटिंग होगी, बहुत अनइजीनेस, बहुत अजीब सा भी फील होगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी बॉडी पे। तो आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हो? सबसे पहली चीज़, स्लीप 8 आवर की लो, अच्छे से स्लीप लो, साउंड स्लीप लो। उसके अलावा अगर स्ट्रेस का इश्यू है तो उसको हटाओ, स्ट्रेस मत लो। उसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हो, अपनी जो डाइट है उसमें आप विटामिन सी यूज़ करो उस पर्टिकुलर डे पे। जैसे जिस दिन भी आपको ब्लोटेड फील हो रहा है, आप एक लेमन वाटर लो, जस्ट वाटर का ग्लास लो, उसमें 1 लेमन स्क्वीज करो, विदाउट सॉल्ट आप उसको लो। और जिस दिन आपको ब्लोटिंग है उस दिन आप सॉल्ट का जो इनटेक है वो भी रिड्यूस करो। उस दिन आप फ्रूट ज़्यादा खाओ, जैसे सिट्रस फ्रूट्स स्पेशली, जिसमें विटामिन सी होता है, बिकॉज विटामिन सी बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए, वेट लॉस के लिए। सो आप उस दिन पे पाइनएप्पल लो, आप कीवी लो, ऑरेंज लो, ऐसे फ्रूट्स लो जो सिट्रस फ्रूट्स हैं। उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, इसके अलावा आप जो लेट मील ले रहे हो, अगर आपने लास्ट डे आपने बहुत ज़्यादा लेट मील ली थी उसकी वजह से आप ब्लोटेड हो, तो नेक्स्ट डे आप जो अपनी लास्ट मील है 6-7 PM पे ख़त्म कर दो। और उसमें आप बहुत लाइट ऑप्शन लो कोई, जिसमें आप सॉल्ट भी कम ले रहे हो। डिनर अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी करके सो जाओगे तो आपका ऑफकोर्स ब्लोटिंग का इश्यू आपको होगा, क्योंकि डिनर अगर हैवी है तो प्रॉपर आपका डिनर करने के बाद मोस्टली हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं या फिर सो जाते हैं, हमारा कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती है। तो इसीलिए डिनर आपको लाइट करना चाहिए, रैदर देन कि आप बहुत हैवी डिनर कर रहे हो। सो सबसे ज़्यादा हैवी हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, देन लंच, देन डिनर। तो अगर आपको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, इसको ईजिली रिड्यूस करना है, तो ये वाली ड्रिंक लो, इसको आप फिनिश करना अपनी मील्स के साथ। मील्स भी आपको बहुत लाइट लेनी है जिस दिन ब्लोटिंग है, सॉल्ट का इंटेक कम करना है, तभी ब्लोटिंग ख़त्म होगी। अदरवाइज ब्लोटिंग से बहुत अनइजीनेस ही फील होती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पूरा दिन खराब जाता है। तो आप इस ड्रिंक को लो, साथ में अपनी मील्स लो। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें हमें लेना है अराउंड 1 लीटर वाटर। ये हो गया हमारा 1 लीटर वाटर। अब इस पानी को हमें जब हम बना के रख देंगे तो हमें इसको आफ्टरनून तक 3-4 बजे तक लेना है, आराम से ले सकते हैं। अगर आप इसको 11 पे बना रहे हो, 10ish पे बना रहे हो, तो यू कैन फिनिश इट बाय 3 PM। अब हम इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड जिंजर। अब इस पानी को हमें स्ट्रेन कर करके पीना है, ऐसा नहीं हमें स्ट्रेन करके ही इसको रखना है एक बारी में, हमें ऐसा का ऐसा एज इट इज रखना है। जब भी हम ले रहे हैं, 1 ग्लास लिया तो स्ट्रेन कर भी लिया, 2nd ग्लास स्ट्रेन कर लिया, आपके इसके अराउंड 2-3 ग्लासेस बनेंगे, बिकॉज वाटर को बॉइल भी हम अच्छे से करेंगे। 1 लीटर का जो वाटर है उसको हम 750 ml तक कर देंगे बॉइल करके। सो नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट विल बी जीरा अराउंड 1 स्पून, एंड लास्ट विल बी अजवाइन, ये भी 1 स्पून। अब इन सबको हम अच्छे से बॉईल होने देंगे फॉर 5 मिनट्स। ब्लोटिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छी ड्रिंक है, इसको आप ले सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा ब्लोटेड हो, आपका वेट एकदम से 2-3 किलोस गेन हो गया है, एंड यू डोंट नो कि अभी मैं क्या करूं, तो आप इसको आराम से ले सकते हो। तो हम इसको बॉईल होने देते हैं, उसके बाद हम इसको रेस्ट होने के लिए रखेंगे, देन जब भी हमें लेना है जस्ट स्ट्रेन एंड हैव इट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी मुझे ड्रिंक लेनी होगी मैं इसको स्ट्रेन करूंगी, देन आई विल हैव इट। सो अभी मैं इसको कर लेती हूँ स्ट्रेन।
दिस ड्रिंक इज रेडी। ये अराउंड 1 ग्लास और है, आप इसको ले सकते हो। एक एक ग्लास अभी फिनिश कर लो, एक आप आफ्टर डिनर भी ले सकते हो।